हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक क्वेश्चन बैंक, जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है। माइक्रोबायोलॉजी यूनिट फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन। ये 5 ईयर है जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको फर्स्ट जो पार्ट रहेगा वो शेयर करती हूँ, जिसके अंदर फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट आएगी और कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करूँगी। सर, जो कि 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फर्स्ट है डिफाइन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है नेम टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच इन माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट से डिफाइन कोच पिनोमिन एंड नेक्स्ट आ जाते हैं नेम टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉयस लिस्टर। यूनिट सेकेंड जनरल करेक्टर्स ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि 8 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स का होगा, राइट। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड एक्सप्लेन सेल मेम्ब्रेन। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम बैक्टीरियल सेल एंड डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ अ नीट लेबल बैक्टीरियल सेल एक्सप्लेन राइबोसोम्स। ड्रॉ अ नीट लेबल बैक्टीरियल सेल एक्सप्लेन राइबोसोम्स विद इट्स फंक्शन। एक्सप्लेन द स्टेप इन ग्राम स्टेनिंग विद अ नीट लेबल डायग्राम। एक्सप्लेन नेगेटिव स्टेनिंग एंड एक्सप्लेन इन दिस कल्चर मीडिया। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ हैंगिंग ड्रॉप एंड प्रिपरेशंस। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन स्पेशल स्टेनिंग मेथड एल्बर्ट स्टेनिंग एंड इम्प्रिगेशन मेथड्स विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन डेफिनेशनल कल्चर मीडिया एंड नेक्स्ट है ड्रॉ अ नीट लेबल बैक्टीरियल सेल एक्सप्लेन बैक्टीरियल न्यूक्लियस। ज़्यादातर आपसे क्या पूछा गया, जिससे आपको लेबल करना है, जिसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एंड एक्सप्लेन सेनेटरी फेज एंड डिक्लाइन फेज। 13 आ जाता है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक्सप्लेन अबाउट लॉग फेज, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद आएगा ड्रॉ अ नीट लेबल बैक्टीरियल सेल एक्सप्लेन बैक्टीरियल कैप्सूल एक्सप्लेन एनारोबिक ट्रांसपोर्ट मीडियम। नेक्स्ट इसके बाद आएगा डिफाइन कल्चर मेथड एक्सप्लेन एनी 2 कल्चर मेथड इन डिटेल। ड्रॉ अ नीट लेबल बैक्टीरियल सेल एक्सप्लेन पिली एंड फिल्म ब्रेयर। नेक्स्ट इसके बाद आएगा ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक्सप्लेन अबाउट लॉग फेज। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्क्राइब लॉन कल्चर आंसर फ्रेज प्लांटिंग एंड स्टेकिंग, राइट। एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ एंड स्पोरुलेशन विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एक्सप्लेन सेनेटरी फेज एंड डिक्लाइन फेज, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा डिफाइन कल्चर एक्सप्लेन स्टेप कल्चर एंड स्ट्रोक कल्चर। क्वेश्चन नंबर 23 एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड पीएच ऑन बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। एक्सप्लेन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इसमें आ जाता है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है डिफाइन एनारोबिक कल्चर मीडिया। नेक्स्ट से नेम द पैरासाइट हु और आर डिटेक्टेड इन स्टूल माइक्रोस्कोपी। नेम द 4 फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ मेंशन एनी 2 ट्रांसपोर्ट मीडिया। नेक्स्ट से नेम द पैरासाइट हुज एंड सिस्ट आर द डिटेक्टेड इन स्टूल माइक्रोस्कोपी। डिफाइन नेगेटिव स्टेनिंग डिफाइन सेंसिटिविटी टेस्ट एंड डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डिफाइन स्लाइड एल्गोनिट्रिशन। नेक्स्ट है डिफाइन ट्यूब एल्गोनिट्रिशन। नेक्स्ट इसके बाद आता है नेम 2 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन टेस्ट डिफाइन पिले डिफाइन एल्गोनिट्रिशन, राइट। नेक्स्ट है नेम 2 बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन, ठीक है। ये 14 क्वेश्चन है जो 3rd यूनिट होगी, आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं शेयर करूँगी, जो कि 3 यूनिट अभी रह चुकी है वो आपके साथ सेकेंड पार्ट के अंदर शेयर करूँगी। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाती है और ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपसे ये डायग्राम पूछे जाते हैं ये मतलब काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आपके पास क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, तो आप अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।